वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज अपन जो करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो एई और जेई आपके एग्जाम रहते हैं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए एक सब्जेक्ट अपना रहता है आरसीसी। उसके अपन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट अपने बहुत ही यूनिक रहेंगे, बहुत ही शॉर्ट रहेंगे, जिससे कि आप देखोगे बहुत ही आसानी से आप इनके माध्यम से आप अपना जो सवाल है, जो आपके क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन बिना कोई देर किए अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। और वीडियो आप पूरा देखोगे, उसके बाद आप नोट्स भी बना सकते हो या फिर आप देख सकते हो। नोट्स बनाने की सबसे अच्छी आपकी हैबिट होगी, तो आप ले जाना फायदा रहेगा। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट अपन डायरेक्टली रेंडमली लेंगे आरसीसी। क्लियर? जो भी आपके एग्जाम में पूछे रहे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्रीप कोफिशिएंट का। क्रीप कोफिशिएंट, अब इसके सवाल कहां कहां बनते हैं। सबसे पहले सवाल बनता है कि क्रीप कोफिशिएंट होता क्या है, मतलब क्रीप कोफिशिएंट का फॉर्मूला आता है। तो क्रीप कोफिशिएंट जो अपना रहता है इलास्टिक स्ट्रेन अपॉन, सॉरी इसका सॉरी फॉर्मूला अपना जो है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, एक तो जाता है यहां से, और क्या आता है, एक आता है क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू आती है। तो वैल्यू जो क्रीप कोफिशिएंट की रहती है वो नोट कर लेना आप। 7 डे पर जो वैल्यू रहेगी क्रीप कोफिशिएंट की, वो आपकी कितनी रहेगी, 2.2 रहेगी, 2.2। और 28 डे पर जो आपकी क्रीप कोफिशिएंट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.6। एंड 1 ईयर पर जो आपकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.1। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना क्रीप कोफिशिएंट का, वो है ए वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इनको नोट करके रखो, जो क्रीप कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला रहता है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, और इनकी जो वैल्यू रहती है क्रीप कोफिशिएंट 7 दिन में 2.2 रहती है, 28 दिन में 1.6 रहती है, और 1 ईयर में 1.1 रहती है। अब क्रीप कोफिशिएंट से और भी आपके बनते हैं, तो दोस्तों अपन क्या पूरा कवर करके चलेंगे, कुछ भी इसमें अपन छोड़ने वाले नहीं है। क्रीप कोफिशिएंट से और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डाउटी क्वेश्चन इतना नोट कर लिया बाद में देखो। डाउटी क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन डाउट जो कि आप कर जाता है, आपसे बोलता है कि एज बढ़ने के साथ साथ क्रीप की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। एज बढ़ने के साथ साथ क्रीप की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आएगा इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिपेंड ऑन कंडीशन, ऐसे काफी सारे आपके एग्जाम में ऑप्शन बन जाते हैं। और एक आता है क्रीप कोफिशिएंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रीप कोफिशिएंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाता है, क्या जल्दी जल्दी में अपने पता नहीं था क्या क्रीप और क्या क्रीप कोफिशिएंट है, तो अपन वहां पर क्वेश्चन गलत कर देते हैं एक दूसरी जगह आंसर टिक करके। तो ध्यान रखना जो क्रीप है ना, क्रीप आप जानते हो जैसे कि बीम है, परमानेंट इसमें डिफ्लेक्शन जो आ जाता है उसे अपन क्रीप कहते हैं। तो क्रीप जो एज के साथ, जैसे एज अपनी इंक्रीज होगी, एज जैसी अपनी बढ़ेगी तो क्रीप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्रीप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी क्रीप साथ में बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी स्ट्रक्चर की वजह से आपकी क्रीप क्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, और क्रीप कोफिशिएंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्रीप कोफिशिएंट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया था, देखो ये 7 डे, 7 डे के लिए क्रीप कोफिशिएंट कितनी वैल्यू थी, 2.2, 28 डे के लिए कितनी थी, 1.6, एंड 1 ईयर के लिए जो आपकी वैल्यू थी कितनी थी, 1.1। अब देखो इसमें समय बढ़ रहा है, जो एज बढ़ रही है क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या कम हो रही है, बट ध्यान रखना जो क्रीप की जो वैल्यू है ना समय के साथ साथ क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये होगा इंपोर्टेंट फैक्ट, क्रीप के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और है उनको और कवर करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ध्यान रखना क्रीप से भी क्वेश्चन आपका बाद में जाएगा इतना कवर करने के बाद। ठीक है दोस्तों, क्रीप से रिलेटेड और क्या बताऊंगा मैं आपको, एक और चीज बता देता हूं, देखो क्या है, बिल्कुल इंपोर्टेंट फैक्ट, क्रीप किसके कारण होती है। ऑप्शन आया डिग्री लोड के कारण, लाइव लोड के कारण, या डिग्री लोड एंड लाइव लोड दोनों के कारण। तो ध्यान रखना दोस्तों जो क्रीप है ना ओनली डिग्री लोड के कारण होती है, डिग्री
लोड, डेड लोड जिसे अपन कहते हैं, डेड लोड के कारण क्रीप अपनी होती है, ना कि लाइव लोड के कारण। क्लियर? क्रीप के कारण होती है, डेड लोड के कारण होती है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मॉड्यूलर रेशियो का जो मान बढ़ेगा, मॉड्यूलर रेशियो जिसे कि अपन एम से डिनोट करते हैं, और मॉड्यूलर रेशियो की जो वैल्यू कितनी रहती है 280/3 सिग्मा सीवीसी, ये आपकी वैल्यू रहती है मॉड्यूलर रेशियो की। क्लियर? आपको इतनी बात तो आपको आती होंगी WSM की बात। मॉड्यूलर रेशियो का जैसे ही मान बढ़ेगा तो साथ में जो क्रीप है ना, क्रीप की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी, क्रीप की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्रीप के इतने कॉन्सेप्ट आपके हो गए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, इससे बार कुछ नहीं आया क्रीप का। क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट क्या रहता है? क्रीप पिस्टन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 7 दिन के लिए जो आपकी रहती है 2.2 रहती है, 28 डे के लिए आपकी 1.6, एंड 1 ईयर के लिए 1.1। क्रीप का मान जो है एज के साथ बढ़ता है, जबकि क्रीप कोफिशिएंट का मान एज के साथ क्या होता है, घटता है। और क्रीप जो होती है अपनी डेड लोड के कारण होती है, ना कि लाइव लोड के कारण। ठीक है, और एक और क्या था, मॉड्यूलर रेशियो का मान जैसे जैसे बढ़ेगा क्रीप का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर? अपन एक चीज जो कि आपने देखी होगी, जब अपन LSM करते हैं, लिमिटिंग मूवमेंट का, सॉरी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सेस, यानी न्यूट्रल एक्सेस का मान अपन निकालते हैं, जो लिमिटिंग रहता है उसे अपन एक्स क्यू में एक्स से आप डिनोट करते हैं। तो इसकी आप वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, देखो एक फॉर्मूला जो रहता है, जो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, एक्स यू लिमिट, एक्स यू मैक्स और एक्स यू लिमिट एक ही रहता है, अपॉन डी बराबर 0.0035 अपॉन 0.0035। इस फॉर्मूले से अपन इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये अपना डिपेंड करता है एक्स यू मैक्स का जो मान डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्टील ग्रेड, यानी ग्रेड ऑफ स्टील ही ग्रेड पर डिपेंड करता है। जैसे Fe 250 है, या फिर Fe 415 है, या फिर Fe 500 है। ये इन पर मान डिपेंड करता है, पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो भी एग्जाम पूछा जा चुका है और जो भी पूछा जा सकता है, एक्स यू मैक्स का मान एंड न्यूट्रल एक्सिस का मान किस पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो उसके लिए आपको वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए, जैसे कि एक्स यू मैक्स एंड न्यूट्रल एक्सिस की जो मान रहता है Fe 250 के लिए कितना रहता है, तो जब रहता है 0.53 डी क्या इफेक्टिव डेप्थ। सेकेंड है Fe 415 के लिए कितना रहता है 0.48 डी, एंड थर्ड Fe 500 के लिए कितना रहता है 0.46 डी। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपका पूछा जाता। क्लियर? अब नोट कर लिया, तो सबको नॉर्मली पता रहता है, सिंपल सी चीज है। आगे क्या है, आगे अपना इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी RU का जो मान आता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अपन RU से नोट करते हैं। RU डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है आपका, एक तो अपने क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, बीम का कितना क्रॉस सेक्शन है, साथ में ग्रेड ऑफ स्टील पर भी डिपेंड करता है, और साथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी डिपेंड करता है। तो उसकी वैल्यू पूछी जाती है, वो मेरे पता होना चाहिए। लिमिटिंग मूवमेंट MU से डिनोट करते हैं, MU की जो वैल्यू रहती है वो रहती है RU × VD2। RU यहाँ पर कोफिशियंट है, इसकी वैल्यू अपन निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी रहती है Fe 250 के लिए जो रहती है 0.149 FCK, एंड Fe 415 के लिए जो रहती है 0.138 FCK, एंड Fe 500 के लिए जो रहती है 0.133
इम्पोर्टेंट काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको नोट करा देता हूँ। वैसे तो सबको पता ही रहता है, तो आप नोट करके इसको रखेंगे, ठीक है। आगे जो अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर अपन चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट ना आरसीसी बीम दो प्रकार के रेनफोर्स रहती है, एक तो टेंसाइल में रहती है, एक रहती है कंप्रेशन में। ध्यान रखना दोनों के लिए जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की रहती है क्रॉस सेक्शन के 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन रहती है, क्लियर, ये आपको पता होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबको नॉलेज रहती है इसकी, जहाँ से आप थोड़ा मतलब जहाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जहाँ पर गलती करते हैं एग्जाम में, वो जहाँ पर करते हैं क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट जिसे अपन स्टील भी कहते हैं इन बीम, यानी जब भी आरसीसी की बीम बनाएंगे, मैक्सिमम तो आपको पता है टेंशन में भी 4% रहती है, कंप्रेशन में 4% रहती है, बट मिनिमम क्या रहती है वो बहुत पता नहीं था, हालांकि आपको पता होगा मैं जानता हूँ, बट फिर भी आप देखेंगे ए एस टी मिनिमम इसका फॉर्मूला था 0.85 अपॉन एफ बार इंटू वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको काफी बार पूछा गया, कन्फ्यूजन कहाँ रहती है, जैसे आपको पता है स्लैम में जो अपन एच वाई एच डी बार के लाना जो प्रोवाइड करते हैं कितनी करते हैं 0.12% जो मिनिमम अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन में वहाँ पर, और माइल्ड स्टील के लिए कितनी करते हैं 0.15%। तो स्टूडेंट जहाँ तक करते हैं जी वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, बट नहीं है क्या यहाँ पर अपन बीम के लिए बात कर रहे हैं, तो बीम के लिए बात कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ ना कुछ लागू होगी स्लैब से, तो अभी अपन बीम की बात कर रहे हैं तो बीम के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो है डायरेक्ट फिर जाए तो आपको Fe 250 के लिए जो क्रॉस सेक्शन है बीम का उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप नोट करके रख लेना Fe 205 के लिए 0.0034 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि बी इंटू डी, या फिर अपन इसे परसेंट बोलेंगे तो 0.34%, ठीक है। साथ में Fe 415 के लिए आप बता दूंगा आपको 0.0020 इंटू वी डी आपका रहता है, इसलिए अपन परसेंटेज स्वैप करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.20% ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक और है Fe 415, दोस्तों जो वो चीज़ है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है और अपन वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, तो जहाँ से आप क्लियर कर लोगे नोट कर लोगे आपके लिए कभी कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं हुई, ठीक है। अब एक और अगर अपना Fe 500 के लिए Fe 500 के लिए इतनी आ जाएगी 0.0017 इंटू क्रॉस सेक्शन डी डी या फिर 0.17%। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कीजिए, वैल्यू आजकल यही पूछ जा रही है बीएम की एग्जाम के लिए जो कि काफी ट्रेंड में चल रही है। अब ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लो जो कि आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं, सेम टू सेम पूछे जा चुके हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ दो प्रकार के रिफ्लेक्शन रहते हैं अपने, एक रहता है शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन जो किसके कारण होता है, और एक रहता है लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन जो किसके कारण होता है, और एक अपना रहता है क्रीप जो किसके कारण रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है क्रीप किसके कारण रहता है, तो आपको मैंने अभी बताया था क्रीप बताओ किसके कारण होता है, डेड लोड के कारण होता है, जो अपना क्रीप जो रहता है डेड लोड के कारण रहता है, क्लियर, डेड लोड जो कि आपका इस तरह रहता है वो वाले लोड के कारण रहता है, क्लियर। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, अब शॉर्ट टर्म जो डिफ्लेक्शन है वो डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों के कारण रहता है। दोस्तों मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ जो क्वेश्चन है ना आपको आंसर कभी कभी आंसर माइंड में सेट हो जाता है कि मैं डेड लोड आंसर पढ़ा था या मैं लाइव लोड और डेड लोड बहुत आंसर पढ़ा था, तो वहां पर अपन कंफ्यूज में हो जाते हैं एग्जाम और अपन गलत कर जाते हैं आंसर को। तो जहाँ पर आप एक साथ फैक्ट जानोगे कि लोड जब आते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर आप कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे एक साथ अपन फैक्ट देख लेंगे, शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन डेड लोड और लाइव लोड के कारण होता है, क्रीप भी और डेड लोड के कारण होता है, और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ऐसा ना लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन जो क्रीप एंड श्रिंकेज के कारण होता है, क्रीप एंड श्रिंकेज के कारण होता है। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है काफी, नोट करके रखोगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों।
आगे चलते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या करेंगे, बेसिक वैल्यू ऑफ एल वाई डी रेशियो यानी लेंथ अपॉन डेप्थ की वैल्यू आती है, स्पान इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी डी रहता है यहाँ पे, स्पान की जो वैल्यू रहती है वेरियस बीम के लिए कैसी कैसी रहती है, क्लियर। और उसकी वैल्यू कैसे वेरिएट करते हैं, जैसे कि अपने पता है, जैसे कि मैं आप जैसे जनरली आपको पता सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितनी रहती है एल अपॉन डी की वैल्यू, आप पता 20 की। क्वेश्चन में आया कि 16 मीटर की है यदि बीम की नहीं 16 मीटर की, तो एल वाई डी का रेशियो बता दो, और पहले ऑप्शन पर रहता है 20, और 95% स्टूडेंट आंसर कर जाते हैं 20, जो कि जहां पर इस कंडीशन के हिसाब से अपना गलत है, ठीक है मित्रों। तो आगे जो अपन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट, यदि स्पान अप टू 10 मीटर नहीं, जो आपका क्लियर स्पान दिया रहता है बीम का वो 10 मीटर रहता है ना, तब नहीं वैल्यू कितनी रहती है, तो देखो वैल्यू अपनी रहेगी, क्रम्स लिख देते हैं, सबसे कम रहती है कैंटिलीवर बीम के लिए, लीवर के लिए, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, उसके बाद जो रहती है कंटिन्यूअस बीम के लिए, क्लियर। अब देखो इसके लिए कितनी रहती है, 7 रहती है एलवाईडी की वैल्यू, इसके लिए कितनी रहती है 20, एंड इसके लिए कितनी रहती है 26। जनरली आपको ये सबको पता रहता है क्योंकि सब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पहले से बहुत ही एडवांस और होशियार रहते हैं, क्लियर। आगे इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जब स्पान जो है ना, स्पान अपना ग्रेटर देन 10 मीटर रहता है, यानी स्पान की वैल्यू अपनी 10 मीटर से ज्यादा जब होती है, तब अपन क्या फॉलोअप करते हैं, एल वाई डी की जो वैल्यू आती है, जब स्पान 10 मीटर से ज्यादा रहता है तब एल वाई डी की वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं। अब इस वाली वैल्यू को अपन क्या माने चलोगे, ये वाली वैल्यू को आप मान लो, इस वैल्यू को आप ए यदि मान लेते हैं, जो वैल्यू है इसको अपन ए मान लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 अपॉन स्पान इंटू ए, 10 अपॉन स्पान इंटू ए। कंफ्यूजन हो रही थोड़ा, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि स्पान यदि 10 मीटर से जाना है, जैसे 11 मीटर 20 मीटर 25 15 या 17 मीटर आपको दे दी जाए, तब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कैंटिलीवर के लिए क्या हो जाएगी, अब मुझे पता है कि नहीं रहती, साफ रहती थी, बट 10 अपॉन स्पान का इंटू हो जाएगा उसी सेवन वैल्यू में, सेम सिंपली सपोर्ट बीम के लिए कितनी रहेगी, 10 अपॉन स्पान का जो इंटू हो जाएगा 20 में, कंटिन्यूअस के लिए क्या रहेगी, 10 अपॉन स्पान का जो इंटू हो जाएगा 26। दोस्तों छोटे से कॉन्सेप्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक बार आप क्लियर करोगे एक साइड से तो बहुत ही अच्छा मजा आएगा, जो कि अपना सिविल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक रहते हैं, जबकि आरसीसी मेरी सबसे फेवरेट है और सबसे सरल है, जो कि आपको भी लगेगी कॉन्सेप्ट आप एक बार पूरे कर लो तो आरसीसी क्वेश्चन बहुत ही आपको सिंपल लगने लगेंगे, ठीक है। मिटा दो बिल्कुल, दोस्तों आगे चलते हैं। एक चीज रहती है स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस लिमिट, स्लेंडरनेस जो लिमिट रहती है अपनी, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस किस के लिए रहती है, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग रहती है, कैंटिलीवर बीम के लिए अलग रहती है, और एक कॉलम के लिए भी अलग रहती है, जहां से कि आप क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो लिख लो स्लेंडरनेस लिमिट, दोस्तों जब आप बुक या कोई भी स्टैंडर्ड आप गाइड यानी कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, या कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ते हो, तो वहां जो चीजें सब एक साथ नहीं मिलती, जो कि अपन एक साथ जब पढ़ते हैं तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डिफरेंट क्या है, और एग्जाम में जाके आप बिल्कुल 1% भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्लियर। तो अपन करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो एलजी को अपन क्या ले लो, क्लियर स्पान, क्लियर स्पान, तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम इसके लिए एलजी यानी क्लियर स्पान की वैल्यू कितनी रहती है, तो इसके लिए जो क्लियर स्पान की वैल्यू रहती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 6 वी
बी यानी कि वृत्त, क्लियर। और सेकंड क्या रहता है 250 इंटू बी स्क्वायर अपॉन डी, 250 इंटू बी स्क्वायर अपॉन डी, नोट कर लो वैल्यू। और कैंटिलीवर के लिए क्या रहती है स्लेंडरनेस लिमिट, जो क्लियर स्पॉन इज नॉट ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 25b एंड 100b स्क्वायर डी, यानी कि इनकी जो इन दोनों में से 60 इंटू बी और 250 इंटू बी स्क्वायर अपन डी जो अपन करेंगे, इनमें जो मिनिमम वैल्यू आई ना उससे ज्यादा आपका क्लियर स्पॉन नहीं होना चाहिए, जो होगा तो आपका क्या फेन माना जाए, सेक्शन माना जाए फेन। एक और है इन्हीं से रिलेट करता है कॉलम, जो कि मैं उसकी सिलेंडर लिमिट जहां भी बता दूंगा और कॉलम के जब कॉन्सेप्ट करूंगा तब वहां भी बता दूंगा। एक और है तो लास्ट कर लेते हैं, कॉलम की सिलेंडर लिमिट हो जाती है जो उसका जो स्पॉन रहता है जो लेंथ रहती है शुड नॉट ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ, देखो इससे ले लेते हैं 6b और इसका लेते हैं 100b स्क्वायर अपॉन डी, क्लियर दोस्तों। तो आरसीसी कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में आपको दूंगा, वीडियो काफी लेंथी होती जा रही है। यदि आपको चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओगे, लाल वाला बटन जो नीचे दिया रहता है उसको दबाओगे और कमेंट करके बताओगे आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगे, कुछ कमियां हो तो उनको बताओगे, इससे कि अपना अगली वीडियो में सुधार कर सके। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।